अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा फॉर ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स ग्रेड 11 डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स डियर स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स जिन पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है तो इस टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले आपको मैं एक क्विक लिंकेज दे देता हूं हम जल्दी से इसका लिंकेज देख लेते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की वो हमने साउंड के बारे में डिस्कस किया था कि एज़ वी नो दैट साउंड इज़ अ वेव और इसकी एक स्पीड होती है तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया कि के एक केस में हमने न्यूटन्स फार्मूला और लैपलेस करेक्शन को डिस्कस किया देखें साउंड की जो स्पीड फाइंड आउट की थी वो पहले न्यूटन ने फाइंड आउट की उसको न्यूटन्स फार्मूला ऑफ साउंड ऑफ स्पीड कहते हैं तो न्यूटन का जो फॉर्मूला था उसमें न्यूटन ने आइसोथर्मल फॉर्म को यूज़ किया बॉयल्स ला का आइसोथर्मल फॉर्म आइसोथर्मल फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं लेकिन इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से इसलिए इसको आइसोथर्मल फॉर्म कहा जाता है और वो ये है पी वी इज़ इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा वी के प्रेशर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है प्लस का मतलब इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है नेगेटिव साइन का मतलब डिक्रीज़ तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की आइसोथर्मल फॉर्म है जब न्यूटन ने इस लॉ को यूज़ करके इसको कैलकुलेट किया तो उसके पास ये रिज़ल्ट आया कि वी यानी विलासिटी ऑफ़ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इज़ इक्वल टू तो ई बाय रो अंडर द रूट ई इलास्टिसिटी और रो डेंसिटी फिर न्यूटन ने ये प्रूव किया अपने इस कैलकुलेशन में उसके पास जो ई e या इलास्टिसिटी आ रही थी वो प्रेशर के इक्वल थी तो इलास्टिसिटी की जगह पर प्रेशर को पुट करें तो v इज़ इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी स्क्वेयर रूट ये वो फॉर्मूला था जिसमें वैल्यूज़ एयर के प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यूज जब न्यूटन ने पुट की तो उसके पास ये आंसर आ रहा था टू एटी फाइव मीटर पर सेकेंड तो क्लियरली न्यूटन यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा था इसलिए उसके पास आंसर रॉन्ग आ रहा था गलत आ रहा था तो इस मिस्टेक को किसने करेक्ट किया लैपलेस ने तो इसको लैपलेस करेक्शन कहा जाता है लैपलेस ने ये रियलाइज़ किया कि न्यूटन ने आइसोथर्मल फॉर्म को यूज़ किया अगर हम एडियोबेटिक फॉर्म को यूज़ करें बॉयल्स ला के एडियोबेटिक फॉर्म को तो फिर हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है एडियोबेटिक लॉ ये है पी वी इज़ इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी के प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होता है जबकि वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है विद अ फैक्टर ऑफ गेमा यहाँ पर ये जो गेमा है दिस इज़ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम और एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.4 होती है जब लैपलेस ने सेम कैलकुलेशंस जिस तरह न्यूटन ने की थी वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद दिस फैक्टर तो उसके पास ये फार्मूला आ गया था वी इज इक्वल टू गेमा पी बाय रो स्क्वेयर रूट जब यहाँ पर 1.4 की वैल्यू गेमा की जगह पे पुट की उसने सॉल्व किया तो उसके पास विलासिटी करेक्ट आ रही थी थ्री मीटर पर सेकेंड डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास लिंकेज था प्रीवियस लेक्चर का तो अभी हम अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ आ जाते हैं डिपेंडेंस ऑफ साउंड स्पीड ऑन फैक्टर्स के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफ़ेक्ट करते हैं यानी स्पीड ऑफ़ साउंड कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो इसको हम स्टार्ट करते हैं देखें स्पीड ऑफ़ साउंड कैन बी रिटन इन टू वेज़ हम स्पीड ऑफ़ साउंड का जो फॉर्मूला है उसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं एक ये वाला फार्मूला V इज इक्वल टू गेमा p बाय रो या इसको हम यू लिख सकते हैं कि गेमा p चूंकि ये नोमिनेटर में है ऊपर लिखे हुए हैं इसको अलग लिखें ये जो डी नोमिनेटर में रो या डेंसिटी लिखी हुई है इसको वन ओवर डेंसिटी अलग लिखा जा सकता है होल स्क्वेयर रूट ओके नाउ यूजिंग गैस इक्वेशन तो ये इसका पहला फॉर्म है ये जो फार्मूला है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है या वन फॉर्म है इसकी पहली फॉर्म और दूसरी फॉर्म हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसी से हम इसको डिराइव करेंगे वो किस तरीके से यूजिंग गैस इक्वेशन गैस की जो इक्वेशन है गैस लॉ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी डियर स्टूडेंट्स इसमें एक बात का ख्याल रखें ये जो स्मॉल वी लिखा हुआ है ये स्पीड वाला वी है और ये जो बड़ा कैपिटल वी लिखा हुआ है ये वॉलीम वाला है तो इस वी में और इस वी में आपने फ़र्क करना है ये जो स्मॉल लेटर में वी लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर स्पीड और ये बोल्ड फेस लेटर में कैपिटल लेटर्स में ये ये जो वी लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर वॉल्यूम तो अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अब इसमें एन जो है वो नंबर ऑफ मॉल्स आर इज़ गैस कॉन्स्टेंट टी इज़ टेम्परेचर पी इज़ प्रेशर और ये वाला वी जो है इट इज़ वॉल्यूम ठीक है इससे आप P की वैल्यू निकालें वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस में आके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो P is equal to nRT divided by V. इज इक्वल टू एन आर टी इस वैल्यू को यहां पर इक्वेशन ऊपर वाली इस इक्वेशन में P की जगह पे यह वैल्यू पुट कर सकते हैं तो करके इसको हम सॉल्व करते हैं देखें हमारे पास इसकी सेकेंड फॉर्म कैसे आती है पुट वैल्यू ऑफ P इन स्पीड फार्मूला स्पीड वाले फार्मूले में आप पी की वैल्यू पुट करें तो वी ये देखें ये वाला जो वी है दिस इज़ विलासटी ये इसकी बात हो रही है ठीक है तो वी इज इक्वल टू गेमा एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू वन बाय रो अब देखें वन बाय रो तो अलग मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी रहे ये पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है एन आर टी बाय वी ये वॉल्यूम वाला वी है ये विलासिटी वाला वी है स्मॉल वी और ये बोल्ड फेस लेटर बड़ा वी कैपिटल वी ये वॉल्यूम वाला है अब देखें ये डेंसिटी है तो सिंस डेंस रो इज़ डेंसिटी यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम पुट इन अबव इस इक्वेशन में आप पुट करें रो की जगह पर वी ये वाला आ जाएगा वी इज़ इक्वल टू गेमा एन आर टी V बाई वी मल्टीप्लाइड बाई ये वन ओवर रो है तो इसका उलट जो है रेसिप्रोकल वो V बाय एम हो जाएगा मैस पर यूनिट वॉल्यूम उलट जाएगा तो वॉल्यूम पर मैस अब देखें ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम ये कैंसल आउट हो जाएंगे ठीक है तो हमारे पास आ जाएगा V यानी विलासिटी इज इक्वल टू तो गेमा एन आर टी डिवाइड बाई एम फॉर एन इज़ इक्वल टू वन अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स वन हो फॉर वन नंबर ऑफ अगर uh, हमारे पास मोल जो हैं वो उसकी वैल्यू वन हो फॉर वन मोल ऑफ गैस वी इज ईक्ल टू एन को वन पुट करें तो ये सिर्फ रह जाएगा गेमा आर टी बाई एम दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ साउंड स्पीड तो फर्स्ट फॉर्म ये वाली है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी और दूसरी फॉर्म इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोलर मैस ये सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है ओके okay. अब इन्हीं दो फॉर्म्स को यूज़ करके हम आगे मजीद इसके कुछ फैक्टर्स की डिपेंडेंस फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द स्नैप शॉट प्लीज़ टेक इट नाउ ओके नाउ फर्स्ट वी डिस्कस द डिपेंडेंस ऑन प्रेशर कि क्या स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड करती है यानी गैस के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो क्या उससे स्पीड ऑफ साउंड पे फ़र्क पड़ेगा अगर गैस को कंप्रेस कर दिया जाए उसको प्रेशराइज़ कर दिया जाए तो उससे स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसको हम चेक करेंगे देखें साउंड स्पीड डज़ नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर के साउंड की जो स्पीड होती है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए ये शरत याद रखें अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती और इसको हम प्रूव कैसे करेंगे यूजिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ साउंड स्पीड अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा उसका सेकेंड फॉर्म यह है कि विलासिटी इज इक्वल टू गेमा आर टी बाई एम जबकि एम इसमें मोलर मैस है स्कूट ठीक है देखें इस फार्मूले में कहीं पर आपको प्रेशर नजर नहीं आ रहा देयर इज नो अपियरेंस ऑफ प्रेशर इस फार्मूले में कहीं पर प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब विलासिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती विलासिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर सकती है टेम्परेचर पर और मैथ पर चूंकि मोलर मैथ भी जो है वो कांस्टेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि विलासिटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकती है तो दिस इक्वेशन मीन्स दैट स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर क्योंकि फार्मूले में कहीं पर आपको प्रेशर नज़र नहीं आ रहा तो इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती इसका दूसरा तरीका देखें दूसरा तरीका भी सिंपल है सेकंड मेथड। या तो इस सेकंड फॉर्म से करें या फिर फर्स्ट फॉर्म से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ साउंड स्पीड साउंड स्पीड का जो पहला फर्स्ट फॉर्म है वो लिखें v इज इक्वल टू गेमा पी बाय रो पी प्रेशर है और रो डेंसिटी है वेन प्रेशर इनक्रीजेज और डिक्रीजेज द डेंसिटी आल्सो इनक्रीज़ेज और डीक्रीज़ जब भी हम एयर के ऊपर प्रेशर को इनक्रीज़ करें या डिक्रीज करें तो उस एयर की डेंसिटी भी इनक्रीज़ और डिक्रीज उसी रेशो से उसी तरीके से हो जाती है देखें इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है हम जब गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे तो जब कंप्रेस होंगे मॉलिक्यूल्स नज़दीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी ठीक है तो जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर और डेंसिटी इकट्ठे इंक्रीज और इकट्ठे डिक्रीज होते हैं तो नमीरेटर में प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी भी डिक्रीज़ दोनों इकट्ठे इंक्रीज या इकट्ठे डिक्रीज होते हैं तो रेशों में वो एक ही रेट से होते हैं तो इससे स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो देअर फॉर इट डज़ नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्पीड इससे स्पीड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता ओके नंबर टू डिपेंडेंस ऑफ नेचर और डेंसिटी क्या गैस की डेंसिटी चेंज करने पर उसकी स्पीड पे फ़र्क आएगा Yes। तो डेंसिटी चेंज करने पर फ़र्क आता है सम गैसेज आर लाइटर एंड समर डेंसर हम जानते हैं कि एयर के अंदर जो है एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और बहुत सी गैसेज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो कुछ गैसेज जो हैं वो हल्की होती हैं लाइट होती हैं और कुछ गैसेज डेंसर होती हैं वजनी होती हैं अब देखें हाइड्रोजन इज़ लाइटर गैस सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है ऑक्सीजन इज इज़ेंसर गैस हाइड्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन एक वज़नी गैस है डेंस गैस है स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन तो हल्की जो गैसें होती हैं उनमें स्पीड ऑफ साउंड भी कम होती है जितनी ज़्यादा डेंसर गैस होगी उसमें स्पीड भी ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हल्की गैस है इसमें स्पीड कम है ऑक्सीजन वज़नी गैस है या डेंसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो उसमें स्पीड भी ज़्यादा है ये तो हमने जुबानी बात कह दी अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे पहले आप इसकी स्नैपशॉट ले लें ओके देखें इसका प्रूफ देख लें डियर स्टूडेंट्स यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ साउंड स्पीड साउंड स्पीड का फर्स्ट फॉर्म अगर आप यूज करें वी इज इक्वल टू गेमा पी बाय रो इफ प्रेशर इज़ कांस्टेंट अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए फॉर एग्जांपल मैं दो गैसेस लेता हूँ एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है दोनों का जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सेम रखता हूँ इसमें शर्त यह है कि आपने प्रेशर को सेम रखना है दो गैसेस लें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का एटमोसफेरिक प्रेशर आप सेम रखें इफ़ प्रेशर इज़ कॉन्स्टेंट दैन प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो गेमा भी कांस्टेंट प्रेशर भी कांस्टेंट तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी आएगा फिर ठीक है अब देखें इसका मतलब ये है डिनोमिनेटर में डेंसिटी का फैक्टर आ रहा है तो वो गैस जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें स्पीड कम होगी सिंस ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स डेंसर देन हाइड्रोजन अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में सिक्सटीन टाइम्स डेंसर होती है ये सिक्सटी टाइम्स किस तरह इसको ज़रा समझें देखें हाइड्रोजन गैस का जो एटॉमिक मास है वो वन है यानी हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है अगर इलेक्ट्रॉन को आप निगलेक्ट कर दें हाइड्रोजन के मुकाबले में अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 तो वन रेशो सिक्सटीन इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर 16 जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं यानी आठ प्रोटॉन और आठ न्यूट्रॉन्स होते हैं तो आप यूँ समझें हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है जबकि ऑक्सीजन के अंदर उस प्रोटॉन जैसे सिक्सटीन चीज़ें हैं मतलब आठ प्रोटॉन और आठ न्यूट्रॉन तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में सोलह गुना वज़नी है यानी ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन के मुकाबले में सिक्सटीन टाइम्स ज़्यादा है या दूसरी एग्जाम्पल देख लें हाइड्रोजन के मुकाबले में अगर हीलियम की बात की जाए हीलियम का एटॉमिक मास फोर होता है तो हीलियम गैस हाइड्रोजन के मुकाबले में चार गुना ज़्यादा वजनी होती है फोर टाइम्स बिकॉज हीलियम के न्यूक्लियस में या हीलियम गैस के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं तो हीलियम के अंदर चार पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन के अंदर एक है तो एक के मुकाबले में हीलियम के पास चार एक जैसे पार्टिकल हैं तो हीलियम हाइड्रोजन से चार गुना वजनी है इसी तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है उसमें उसमेंटीन पार्टिकल्स हैं आठ प्रोटॉन और आठ न्यूट्रॉन दैट इज़ वाई ऑक्सीजन इज सिक्सटीन टाइम्स मोर हैवियर देन हाइड्रोजन सिंस ऑक्सीजन इज सिक्सटीन टाइम्स डेंसर देन हाइड्रोजन लुक एट दिस फार्मूला वी विलासटी इन हाइड्रोजन एच वाई डी फॉर हाइड्रोजन विलासटी इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन बाई फोर टाइम्स विलासटी ऑफ ऑक्सीजन देखें ये वन बाई फोर कैसे आया इसमें देखें अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की डेंसिटी देखी जाए वो 16 है और 16 यहाँ पर अंडर रूट में आ रही है तो 16 का अंडर रूट 4 होगा और है वो डिनिनेटर में तो हाइड्रोजन की जो स्पीड होगी वो ऑक्सीजन के मुकाबले में 1 बाई फोर हो जाएगी इट मींस साउंड स्पीड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अगर दो गैसेस का प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो फिर साउंड की स्पीड जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है क्लियर ओके नाउ फाइनली डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर क्या स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है द आंसर इज़ यस यूजिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ साउंड स्पीड साउंड स्पीड का अगेन आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करें तो विलॉसिटी इज इक्वल टू गेमा आर टी बाय एम इसमें गेमा जो है ये आपके पास जो है वो रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स जो कॉन्सटेंट प्रेशर और वॉल्यूम है आर गैस कॉन्सटेंट है टी टेम्परेचर है और एम इज़ द मोलर मैस देखें गेमा आर और मोलर मैस ये किसी भी गैस के लिए कॉन्सटेंट होते हैं तो इन तीनों को अगर आप कॉन्सटेंट कंसिडर करें कॉन्सटेंट को इज इक्वल टू के साथ हटाएं तो ये लिखा हुआ सेंस गेमा आर एंड मोलर मैस एम ऑफ ए गैस आर कॉन्सटेंट दैन रेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र रूट ऑफ टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं कि विलासिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इसका मतलब यह है ये डायरेक्टली रिले रिलेटेड है अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विलासिटी भी ज्यादा होगी टेम्परेचर कम करेंगे तो विलासिटी भी कम हो जाएगी तो इससे यह बात सामने आती है कि विलासिटी ऑफ साउंड डिपेंडस ऑन टेम्परेचर इट मीन्स दैट वन टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड आल्सो इंक्रीजेज इसका ये मतलब है जब हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उस गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी और द ये जनरल फार्मूला याद रखें द जनरल फार्मूला इज़ वी टी विलास्टी एट एनी टेम्परेचर ये टी फॉर एनी टेम्परेचर है इज इक्वल टू थ्री थ्री वन प्लस जीरो पॉइंट सिक्स टी इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर इज़ इक्वल टू ये जनरल फार्मूला है जिस टेम्परेचर की आप बात करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करना चाहता हूँ यह जनरल फार्मूला है वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर इज़ इक्वल टू थ्री थ्री वन प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्स इंटू टी अगर मैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वेलास्टी एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वी नॉट वी जीरो ये हो जाएगा थ्री थ्री वन प्लस जीरो पॉइंट सिक्स और टी की जगह पे आ जाएगा जीरो वो जीरो इस पूरी टर्म को जीरो कर देगा तो आंसर सिर्फ आएगा थ्री थ्री वन मीटर पर सेकेंड फर्ज करें मैं टेन डिग्रीज के लिए फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि वट विल बी द विलासटी ऑफ साउंड एट टेन डिग्री सेंटीग्रेड जब रूम टेम्परेचर हवा का टेम्परेचर दस डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उस दस डिग्री पर क्या विलासिटी आएगी ये जनरल फार्मूला यूज़ करें थ्री थ्री वन प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्स इन टू टेम्परेचर कितना मैंने कंसिडर किया है टेन अब इसको सॉल्व करें थ्री थ्री वन प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन ये हो जाएगा सिक्स तो थ्री वन थ्री थ्री वन प्लस सिक्स ये हो जाएगा थ्री थ्री सेवन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सेवन मीटर्स पर सेकेंड आप किसी भी टेम्परेचर के लिए ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर स्पीड इंक्रीजेज बाय ज़ीरो पॉइंट सिक्स टी जिस टेम्परेचर पर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करें और थ्री थर्टी वन के साथ इसको एड कर दें ओके डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेक द स्नैप शॉट ऑफ दिस स्लाइड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट प्लीज़ मेक दिस द पार्ट ऑफ यूअर असाइनमेंट वर्क थैंक यू वेरी मच